बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अब तक नेटवर्क का खास कार्यक्रम आज का इतिहास। मैं हूं देशराज यादव। आज के दिन इतिहास में क्या रहा खास, जानिए इस रिपोर्ट में। एक मार्च का इतिहास में बड़ा महत्व है। इस दौरान कई घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। 1 मार्च 1983 को मणिपुर में जन्मी भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम का आज जन्मदिन है। इनका पूरा नाम मैग्दे चगनई जैग मैरी कॉम है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। भारत सरकार ने वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2006 में पद्मश्री व 2013 में पद्म भूषण और वर्ष 2013 में पद्म भूषण और वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1 मार्च 1954 में बिकनी एटोल द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में स्थित बिकनी द्वीप समूह में सबसे बड़ा मानव निर्मित बम विस्फोट किया था। यह माना जाता है कि हाइड्रोजन बम हिरोशिमा को नष्ट करने वाले परमाणु बम से भी हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यह विस्फोट वैज्ञानिकों के अनुमान से भी कहीं गुना ताकतवर था। विस्फोट की वजह से लगभग 100 वर्ग मील में मशरूम के आकार का बादल उठा और रेडियोधर्मी विकिरण के रूप में घिर गया था। भूल न जाना सुख सागर का खाना, एक फोन पर आपके घर पर खाना। होम डिलीवरी के साथ सुख सागर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खाना, वो भी अनोखे स्वाद के साथ, स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 8003993497 9919185212। आज के इतिहास में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ। और हाँ, ऐसी खास जानकारी के लिए आज ही चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।